नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। टिड्डी दल का हरियाणा के गुरुग्राम और झज्जर में अटैक। रेलवे का बड़ा फैसला, 12 अगस्त तक करना होगा रेल यात्रा के लिए इंतजार। सतपाल जैन ने प्रशासन को लिखा पत्र, विवाह शादियों में 10 बैंड बाजे वालों की भी मिले अनुमति। पंजाब की पहली महिला सचिव विनी महाजन ने पद संभालते ही पंजाब के लिए कही कड़ी बातें। 103 दिन बाद फिर खुला करतारपुर कॉरिडोर। पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार का खेल जल्द होगा खत्म, ट्रैकिंग सिस्टम से रखी जाएगी नजर। सोलन के व्यापारी कर रहे चुनावों की मांग। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के झज्जर के कुछ गांवों में टिड्डी दल ने हमला किया। ग्रामीण ट्रैक्टर से टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं टिड्डी दल ने गुरुग्राम के रिहायशी इलाकों में भी धावा बोल दिया है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेन नहीं चलाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले अगर किसी ने टिकट बुक करवाया है तो उन्हें 100% रिफंड किया जाएगा। रेलवे ने सभी रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेनों को 12 अगस्त तक कैंसिल कर दिया है। केवल स्पेशल ट्रेनें ही चलेंगी। जो अभी एडवाइजरी मिली है इसमें सभी रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज, मेल एक्सप्रेसेस और जो सबर्बन है वो 12/8 तक कैंसिल कर दी गई हैं। और जो रेगुलर आपकी रिजर्वेशन थी उसका टोटल फुल फेयर रिफंड दिया जाएगा। कोविड-19 के कारण शादियों में जो केवल 50 लोग के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, इसी के साथ ही 10 बैंड बाजे वालों को भी राहत दी जाए। यह मांग पूर्व सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य सतपाल जैन ने चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर एवं केंद्र गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखकर की है। पाकिस्तान सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर 29 जून से खोलने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि है। हम चाहते हैं कि इस दिन कॉरिडोर खुल जाए, इसके लिए हम भारत से बात कर रहे हैं। शुक्रवार को पंजाब में पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में विनी महाजन ने पदभार संभाला और प्रदेश के लिए उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी इस पर सचिव ने खुलकर अपने विचार रखे। जमपल होने के नाते मैनू इस गल ते माण भी है और जिम्मेवारी का एहसास भी कि मुख्यमंत्री साहब ने, पंजाब सरकार ने मैनू मुख सकत्तर दे अहुदा प्रदान किया है। मैं समझती हाँ कि सरकार की लोगों प्रति एक बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है, क्योंकि पंजाब हमेशा तो नंबर 1 स्टेट रहा है। पंजाब के लोग हिम्मती और हर पक्षों डायनामिक लोग ने, और सरकार अगर एकजुट होकर सारे मुलाजम अगर कार्रवाई करन और लोगों दियाँ मुश्किलां हल करन, लोगों के जो उन्होंने सर्विसेज सरकार तो चाहिदियां ने, जो विकास प्रति जो सरकार दो कार्रवाई करनी है, अगर सारे जने रल मिल के इकट्ठे हो के वो काम करन तां इस दे विच साड़ी बहुत बेहतरी हो सकती है। हरियाणा में पीडब्ल्यूडी बीएनआर के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में अब पारदर्शिता बढ़ेगी। इस काम को अब डिजिटलाइज किया जाएगा। एक विशेष जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से इस पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियर स्तर के अफसर नजर रखेंगे। सोलन में व्यापार मंडल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कार्यकाल समाप्त होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोलन में व्यापारियों ने बैठक कर व्यापार मंडल के चुनावों के रूप रेखा तैयार की व साथ ही वर्तमान व्यापार मंडल के अध्यक्ष से चुनाव करवाने की बात कही। जैसा कि सबको पता ही है कि व्यापार मंडल का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है और एक नई बॉडी बननी चाहिए, उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। जो हम सब लोगों की सर्वसम्मति बनी है कि वोटों द्वारा तो इस समय चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है, तो सोलन में लगभग सारी एसोसिएशनें जो हैं काफ़ी सक्रिय हैं, जैसे माल रोड एसोसिएशन, जूता एसोसिएशन, कपड़ा एसोसिएशन। तो हमने यही विचार बनाया है कि ये सब लोग इकट्ठा मिल कर के और सर्वसम्मति से एक नई बॉडी का गठन करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।